दोस्तों, आज मैं 2 किलोवाट के मैनुअल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर के बारे में बतला रहा हूँ, जिसे मैं खुद अभी वाइंडिंग भी करूँगा। इसमें हमने किस तरह का बोबिन यूज़ किया है या कौन सा कोर यूज़ किया है। इस कोर को अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको 7 नंबर कोर बोल के ही ख़रीदना होगा। अगर वो नहीं समझ पाए तो आप इस मेजरमेंट के आधार पर भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये बोबिन बनाने के लिए ये प्लेट यूज़ किया है, फाइबर प्लेट है। इसका इस बीच का जो गैप है वो 3.5 इंच का है, और ये तो 2 इंच है ही, और इसका ये 2 इंच का आएगा। आप इसे 7 × 3.5 इंच के माप से भी बोबिन को दुकान के अंदर मांग सकते हैं। इस जगह बोबिन में मैंने ये कटिंग खुद कर लिया है कि आसानी से लूप निकल सके, और यहाँ जो है यहाँ से स्टार्टिंग प्राइमरी का निकल सके। बोबिन को इस तरह से हम सेट कर लेंगे। इसे हम मिला लेंगे कि आसानी से दोनों का आई इसमें आसानी से टच कर सके। ये इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम इसे फाइल से इसको क्लियर भी कर लेंगे। इसके अंदर मैंने ये लकड़ी का फर्मा दिया है, और इसको टाइट करने के लिए एक मैंने आई प्लेट ही यूज़ कर लिया है। इसमें ध्यान देना है कि ये जो कटिंग है जहाँ से हमें लूप बाहर करना है उसको हम आगे की तरफ रखेंगे। इसको पकड़ के इस हैंडल से हम टाइट कर लेते हैं। यहाँ मुझे प्राइमरी में 15 SWG यूज़ करना है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर बन रहा है वो 50 वोल्ट से बन रहा है कि अगर इनपुट 50 हो तो 230 वोल्ट आउटपुट दे सके। इस तरह से ये हमारा एक लेयर कंप्लीट किया है, और चूंकि हमें यहाँ प्राइमरी में 74 टर्न देना है, यूज करना है, और का है तो हम यहाँ 35 टर्न मेंटेन कर दे रहे हैं, और प्लस फिर अगला जो है ये मेरा टर्न पूरा हो गया है।
मैं इसे यहाँ से मुझे निकालना है अप्रॉक्स 5 से 6 इंच। इसमें हमने प्राइमरी में 15 SWG यूज किया है और सेकेंडरी के लिए मैं 16 SWG यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो दोनों जहाँ ज्वाइंट होके लूप निकलेगा ये हमारे ट्रांसफार्मर का 1 नंबर लूप होगा। इसका हो गया 8वां जो यहाँ लूप निकलेगा। और ये मेरा वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसका 8 लूप होता है मैनुअल के लिए। बारह वोल्ट और 18 वोल्ट ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है कि आप चाहें तो इससे और बहुत सारे सर्किट लगा सकते हैं, जिस तरह से कि हाई वोल्टेज कट वगैरह ये सब में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 24 टर्न ही होना है क्योंकि मैंने यहाँ 22 टर्न मिस्टेक से लिखा था, इसे आप 24 टर्न ही काउंट करना है।